परम पूज्य स्वामी रामदेव जी, मंच पर विराजमान अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं आयोजकों को, जिनके सौजन्य से मुझे देहरादून के दर्शन हुए। आप ये नाम कैसे पढ़ा ये जानते हैं? देहरादून, डेरा द्रोण। देखिए क्या अजीब बात है, क्या संयोग है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अपने कौरवों और पांडवों के शिष्यों को लेकर टॉन्स नदी के किनारे वहीं पे उन्होंने कैंप लगाया जहां आज इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। ये भी देखिए दैवयोग है, ये भी एक दैवयोग है कि 5000 साल पहले जहां महाभारत की सेनाओं की ट्रेनिंग हुई थी, आज हिंदुस्तान के अफसर वहां ट्रेन होते हैं। बहुत सारी यादें मेरे को आई। हम लोग 1971 में कमीशन हुए थे, हमारी कमीशन की डेट थी 16 दिसंबर को होना था, लेकिन हमको बोला गया लड़ाई के बादल घिर आ रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग जल्द से जल्द खत्म की जाएगी, आप लोग बहुत तेज हो चुके हैं, आपकी जरूरत है पलटनों में, और वो अंग्रेजी में बोलते हैं कैनन फॉडर, तोपों को चारा चाहिए होता है जवानों का लड़ाई के वक्त। तो बोले हमको इस वक्त कैनन फॉडर की जरूरत है। एक महीना पहले हमारी ट्रेनिंग खत्म करी, हम लोगों को 14 नवंबर को पास आउट किया, 10 दिन की छुट्टी दी, माँ बाप को जाओ देखो उनके पांव छुओ, और सीधा हम लोग ट्रेन में बैठे और उतरे। आज सब ये यादें आ रही हैं इस बूढ़े सिपाही को, लेकिन ये हम लोग सीधा उतरे सिलीगुड़ी के रेलवे स्टेशन, और हमारी पलटनों के जवान स्टील हेलमेट लगाए, संगीन चढ़ाए, अपनी अपनी बंदूकों पे खड़े थे, हमारी हेलमेट और हमारी स्टैंड मशीन कार्बाइन पकड़ी उस पे भी संगीन चढ़ी थी। बोले साहब जल्दी ये पकड़ो पलटन बांग्लादेश में, जल्दी पकड़ो बांग्लादेश में। हमने कहा ये सामान जमा, वो सब आ जाएगा, फिक्र ना करो, अभी पलटन गई अंदर, लड़ाई शुरू है। और हम लोग देवी और सज्जनों अपनी सर्विस की पहली रात हम लोग लड़ाई में थे। ये हमारा बैच है, बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि अपनी सर्विस की पहली रात हमने लड़ाई में गुजारी। ना पलटने हमको जानती थी, ना हम पलटनों को जानते थे। सबसे ज्यादा नुकसान हमारे बैच का हुआ। जोश में लड़के गए कि हम भी कुछ कर दिखाएंगे, सबसे आगे निकल गए, देखा ना दाएं ना कोई बाएं, मारे गए, बहुत सारे मारे गए। कितने सारे मेरे साथी प्लास्टिक की हाथ और प्लास्टिक की टांगों के ऊपर चल रहे हैं आज, लेकिन वो किसी का सहारा नहीं लेते। आप उनको सहारा देने की कोशिश करो तो हाथ हटा देगा आपका। फौजी की तरह गर्व से वो लंगड़ा के चलता है प्लास्टिक की टांग पे। हां हमारा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन हमें फख्र है कि वो हमारी पीढ़ी थी और वो हमारा बैच था जिसके लड़कों ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, दो टुकड़े। देखिए आज बहुत सारी यादें ताजा हो गई हैं। जैसे ही आईएमए देहरादून से गुजर रहा था, सारे चेहरे सामने आ गए, जो मर गए, जो घायल हुए, जिनको छुरे लगे, संगीन लगी, गोलियां लगी, लेकिन 16 दिन के अंदर हमारी फौजें तीन तरफ से पाकिस्तान में बढ़ रही थी, और बहुत बहुत नुकसान वहां पे हमने पाकिस्तानियों का किया। हमारी हवाई फौज आमादा हो गई, और 15वें दिन हमारे जनरल जेकब साहब हेलीकॉप्टर लेके पहुंच गए वहां पे ढाका, और उसके पहले दिन कॉन्फ्रेंस हुई थी ढाका के हिल्टन होटल में, और वहां पे जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, हिलाले जुर्रत, सितारा पाकिस्तान, ये नियाजी वहां का जो कमांडर था, वो और गवर्नर अदम मलिक बैठे थे। वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, रेडियो पे हमको इस कॉन्फ्रेंस के होने की खबर मिल गई। हमारे इंडियन एयरफोर्स के 4 MiG-21 फाइटर जेट्स गए, और वो खिड़की के थ्रू उन्होंने 30-30 रॉकेट अंदर डाले, और साहब जब वो रॉकेट फटे
सारे जो शैंडलियर शैंडलियर लगे थे वो ताड़ करके वो आए टेबल पे, दुबक गए जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी और अदम मलिक टेबल के नीचे, टेबल के नीचे छुपे थे। मलिक साहब ने ऐसे हाथ बढ़ाया और चिट पे लिखा आई रिजाइन साहब, मेरे को नहीं लड़ना। यह हाल किया था पाकिस्तान का। आज मुझे कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं इस गैदरिंग में। बच्चों मैं सिर्फ आपको यह कहता हूं, कई बारी मुझे मीडिया वाले बोलते हैं जनरल साहब आपको इतना गुस्सा क्यों आता है। अरे साहब मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि मैंने बहुत सारे अच्छे लड़के मरते देखे, मेरे दाएं मेरे बाएं मैंने देखा है लड़के को पेट में लगे गोला, उसकी अंतड़ियां बाहर आई हुई और वो अपने हाथ से अंतड़ियां अंदर खींच के वापस डाल रहा है। क्या आप जानते हैं आपकी छोटी इंटेस्टाइन जो है वो 21 फुट की और बड़ी 6 फुट की होती है, और जब बाहर आ जाए और वो लड़का अपने हाथ से वापस डाल रहा है उसको, वो दृश्य आप कभी भूल नहीं सकते। और जब मैं देखता हूं कि वो लड़के मरे इस देश की, इस देश के परचम के लिए, हमारे झंडे के लिए, और आज वो झंडा अगर आप एनआईटी में फहराते हैं तो वहां लाठियां चलती हैं। और इसके ऊपर साहब हमें बोला जाता है सहिष्णुता है, आप इनटॉलरेंट हैं। हां है, जीरो टॉलरेंस है। तुम झंडे को हाथ तो लगा के देखो, तुम्हारे हाथ तोड़ देंगे हम। टॉलरेंस टेररिज्म, पिछले 30 साल से वही पाकिस्तान जिसके हमने दो टुकड़े किए थे, आतंकवाद का दौर उसने भारतवर्ष में चला रखा है। क्या आप जानते हैं ये 1980 में पंजाब में शुरू हुआ? क्या आप जानते हैं कि हमारे 21,000 भारतीय नागरिक सैनिक सुरक्षा कर्मी पंजाब में शहीद हुए? जब हमने पंजाब में काबू पा लिया तो जम्मू कश्मीर में यह दौर चला दिया, 20 साल वहां चला, 44,000 भारतीय नागरिक शहीद हो गए, 44,000 जम्मू कश्मीर में लड़ते लड़ते, और अब भी लड़के शहीद हो रहे हैं। आए दिन बामपुर में कभी यहां कभी वहां खबरें आती रहती हैं मीडिया के ऊपर। और जब जम्मू कश्मीर में भी हमने तकरीबन कमर तोड़ दी है, कभी वहां पे 3,000 से 3,500 जो है आतंकवादी पाकिस्तान के होते थे, जितने हम मारते थे उतने वो सीमा के पार भेज देता था। फिर हमने वो फेंसिंग बनाई, अब 70-80% जो उसकी इन्फिल्ट्रेशन है वो रोक दी गई है, और 250 से 300 टेररिस्ट रह गए। लेकिन देवी और सज्जनों बड़े दुख की बात है कि आपकी फौजें जंग जीत जाती हैं और हम जाके नेगोशिएटिंग टेबल पे घुटने टेक देते हैं, घुटने टेक देते हैं, हम जाके वहां नेगोशिएटिंग टेबल पे दे देने को तैयार है, क्योंकि हमारे में एक चीज की कमी है, इच्छा शक्ति। हमारे में सहिष्णुता नहीं, उदारवाद कूट कूट कर भरी गई है। क्या आप जानते हैं कि 17 बार हमला किया था मोहम्मद गोरी ने और 16 बार हरा के उसको वापस भेजा पृथ्वीराज चौहान ने, ये सहिष्णुता थी? अरे साहब भाग रहे, भागते को क्या मारना। अरे उसने वापस आके उसको वो मौत दी जो शायद वो आंखें निकाल ली, 20 साल यतना दे के मारा। वो ऐसे लड़ाई में शहीद हो गया होता तो ज्यादा अच्छा था। ये है हमारी जो सहनशीलता का नाजायज फायदा उठाया गया है। 1,000 साल आपके ऊपर राज हुआ है, आपके मंदिर तोड़ दिए गए, आपके जब पुस्तकालयों में आग लगाई गई थी नालंदा के, 3 महीने जलता रहा वो, इतनी किताबें थी, पढ़ाई लिखाई हम लोग करते हैं, किसी को हमने दखल अंदाजी नहीं करी। बहुत है इस धरा में, सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन कहा गया इसका सोना, अरे लूट लूट कर ऊंटों पर लाद कर ले गए, आप समझ रहे हैं, आपकी औरतों को भी ले गए वहां पे बेचने मंडी बाजारों में। 1,000 साल आप कह रहे हैं हम टॉलरेंट हो, नहीं टॉलरेंट होंगे ऐसी चीजों के लिए।
और अब जरा ये ज्वाला पैदा होनी शुरू हो, हम नहीं सहेंगे, वी विल नॉट स्टैंड दिस नॉनसेंस। कोई तुम्हारी एक गाल पे चांटा मारे, तुम दूसरी गाल आगे का, ये हम लोग कहते हैं। और आपको पता है चीनी क्या कहते हैं, इफ अ मैन स्लैप्स यू वंस इट इज हिज मिस्टेक। अगर एक आदमी आपको चांटा मारता है उसकी गलती है, आप उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, तूने मारा कैसे बे, बट इफ ही स्लैप्स यू ट्वाइस इट इज योर मिस्टेक। लेकिन अगर दूसरी बार ही चांटा मारता है, जरूर आपने कोई गलत किया होगा, सीटी सीटी मारी होगी गलत जगह, तभी तो आप खड़े होके मार खा रहे हैं भरे बाजार में, नहीं तो मार कौन खाता है, कौन शरीफ आदमी मार खाता है। लेकिन ये हमारे को जो खोखला कर दिया गया है, खोखला कर दिया गया है। मैं स्वामी जी से कह रहा था, अगर अभी जरूरत है साधना की तो वीर भाव साधना की, और आप जानते हैं वीर भाव साधना कहां होती है, शमशान में, जहां जीवन का सबसे बड़ा भयंकर सत्य सामने दिखता है। धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, असली धर्म वहां पता चलता है लड़ाई में। आप मानते हैं ना, हन्यते हन्य माने शरीरे, अरे इस शरीर के जल जाने से, कट जाने से, मर जाने से वो आत्मा नहीं मरती, वो जीवित आजीवन कभी मर नहीं सकती, अजर अमर। लेकिन क्या हम इसको मानते हैं? अगर हम मानते तो क्या 1000 साल आपके ऊपर लोग राज करते? यही तो दुख की बात है। मैंने समझा था 37 साल की सर्विस के बाद जब मैं रिटायर होके आया, और मेरी किस्मत कुछ ऐसी थी कि लड़ाई से आगाज हुआ और लड़ाई से अंत हुआ, और लड़ाई ही लड़ाई, हर रैंक पे मेरे गोली यहां से या वहां से जा रही थी। मेरी थोड़ी ज्यादा गुस्सा खा जाने की आदत है, तो कई मेरे सीनियर मेरे से ज्यादा खुश नहीं थे, उन बोले इसको J&K भेजो, ये वहां फिट रहेगा, लोगों को भी फिट रखेगा। हाँ, 350 मार के आया, और बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं, फिर मौका मिले फिर गाड़ेंगे, क्योंकि जो हमारे देश में हमने कोई होटल नहीं खोल रखा कि कलाश्निकोव लेके बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा के आप आओ और हमारे औरतें बच्चे आदमी मारो। आप लड़ना चाहते हो तो लड़ो सामने मैदान में आके, हमको तनख्वाह मिलती है लड़ने की, मैं यही बोलता था। लेकिन ये क्या तरीका है, जावरी बाजार में बम फोड़ो ताकि औरतें बच्चे बूढ़े मरे, और जब वो घायल लोग वहां से जाते हैं जैसे अहमदाबाद में हुआ, वहां पे अस्पताल के बाहर बम लगाए। अरे साहब, ये मानसिकता है, और इस मानसिकता से जो लड़ना नहीं चाहते वो पाप करते हैं, पाप, क्योंकि जो पाप करता है सो पाप करता है, जो पाप सहता है उससे बड़ा पाप करता है। और ये सहनशीलता आप भूल जाइए, इससे ज्यादा सहनशील देश आपको कहीं नहीं मिलेगा। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये हमारे देश की संस्कृति रही है, लेकिन हमको इसके लिए बहुत भारी कीमत देनी पड़ गई है। और आज ये नाटक और स्वांग किया जा रहा है कि साहब इंटॉलरेंट हैं, फलाना है ढिमकाना है, जहां तक देशभक्ति का सवाल है हम इंटॉलरेंट हैं, जहां तक टेररिज्म का सवाल है, हमारी सीमाओं का सवाल है, हाँ हम इंटॉलरेंट हैं। टू हेल विद यू, भाड़ में जाओ, चूल्हे में जाओ, लेकिन हम नहीं, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये कोर वैल्यूज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बाकी आप इकोनॉमिक पॉलिसी, ये पॉलिसी वो पॉलिसी सब डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये जो कोर वैल्यूज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि चव्हाण जी ने एक बहुत बहुत ही अहम संकेत दिया है हमारे देश के लिए। देवी और सजनों, जब मैं 37 साल की लड़ाई के बाद रिटायर होके आया, तो वो पहला एक काम जो लास्ट करना पड़ता है, अपना आई कार्ड जो सर्विस का होता है वो निकाल के खुद कैंची से काटना होता है, और उसको वहां डाल के, आज के बाद मैं वर्दी नहीं डाल सकता, कुछ आत्मा कट जाती है उसके साथ। बहुत दुख होके मैं घर आया तो अपनी धर्मपत्नी से बोला, आई हैव फॉट माई लास्ट बैटल, मैं अपनी आखिरी लड़ाई लड़ चुका हूं। तो धर्मपत्नी जी ने कहा, और हमेशा ठीक कहती है धर्मपत्नी जिसको भी अदरवाइज यू आर इन ट्रबल, उन्होंने कहा योर बैटल हैज जस्ट बिगन, तेरी लड़ाई तो अभी शुरू हुई, तेरी लड़ाई
अभी शुरू हुई है और मैं कहना चाहता हूं आपके देश के ऊपर इस वक्त पिछले 6-8 महीनों से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ऑफेंसिव चल रहा है, एक हमला है। आपने प्राग स्प्रिंग का नाम सुना होगा, आपने अरब स्प्रिंग का नाम सुना होगा, किस तरह षड्यंत्र करके तबाह कर दिए गए देश, इजिप्ट, सीरिया, इराक, लीबिया, कितने सारे देशों में अराजकता फैला दी गई। आज आपको ये कई ताकतें बड़ा उठता देख नहीं सकती। सबसे ज्यादा तेज इकोनॉमी चीन से आगे आपकी जा रही है। जल भुलन के लोग आपको काटना चाहते हैं। और हमारे देश में एक हमारी प्रॉब्लम है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जय चंदों से, मीर जाफरों से भरा हुआ है ये देश, बिकाऊ है। बिल्कुल ठीक कहा चौहान जी ने, आप कुछ महल देखना चाहते हैं दिल्ली में कई मीडिया वालों के, 50 करोड़ का घर कहां से आया? अरे साहब, 50 करोड़ का घर कहां से आया? ये तनखा इतना इतना बड़ा आलीशान बटलर खड़े हैं आपके, क्योंकि आप अपना जमीर बेचकर अपनी धरती मां को बेचने को तैयार है। यही हमारा रोना है कि जय चंदों की कोई कमी नहीं। अर्जुन नगर्जुन शंकर चले गए, रह गए हम सब कमजोर, काले बाजार के चोर सारे। यही हमारा सत्य। सोने की चिड़िया तू कहां उड़ गई, क्षीर के तेरे सागर सारे क्या तेरी धूप में झुलस गए? ले गए वो लोग, क्योंकि आप उसकी रक्षा नहीं कर सके। अरे सोना उगलती है ये धरती, बहुत धन धान्य से भरी है ये वसुंधरा, लेकिन उसकी रक्षा भी तो करनी आनी चाहिए। कोई फायदा नहीं उस ज्ञान का जब आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते। एक छोटा सा मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई जो है ये बड़ी संगीन लड़ाई है, ये आपके अस्तित्व की लड़ाई है। दिस इज अ बैटल। आप क्या हैं? हम हिंदुस्तानी हैं? क्या हमारा कोई राष्ट्रीय ध्वज है? क्या हमारा कोई राष्ट्रगान है? क्या हमारा कोई नारा है? और आज उस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। 200 साल के करीब चली थी ये आपकी स्वतंत्रता संग्राम, कभी किसी ने नहीं बोला कि भारत माता की जय मत बोलो। अरे मादरे वतन क्या होता है? मादरे वतन जिंदाबाद, मां तुझे सलाम। क्यों आज आपको ये सडनली ख्याल आया कि ये साहब मेरा धर्म परिवर्तन हो रहा है ये बोल के? 200 साल कभी किसी ने नहीं बोला। बड़े बड़े हमारे जो वीर थे, भगत सिंह जैसे, बटुकेश्वर दत्त जैसे, इसी नारे के साथ फांसी टंग गए, मर गए। आज आपको ये सडनली ये आया। दूसरा एक और ड्रामा है साहब, ये कम्युनिस्ट पैदा हो गए हैं हमारे देश में, लेफ्टिस्ट लिबरल, और एक तो कृष्ण कन्हैया थे, आज एक दूसरे कन्हैया पैदा हुए, एक और अवतार हमारे देश के बीच में आया है। देखिए साहब, ये जो जेएनयू है पिछले 15 सालों से ये गढ़ बन गया है माओवादियों का। हमारे 76 जवान बेचारे मारे गए वहां पे दांतेवाड़ा के पास, और यहां पे जश्न मनाया गया। अरे ये भारत की यूनिवर्सिटी है या ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है? जश्न मना रहे, वो घरों में मातम मन रहा है, उनकी औरतें विधवा और जो बच्चे अनाथ रो रहे हैं, आप जश्न मना रहे हैं। ये नाटक चलता आ रहा था साहब, अभी तक तो लोग टॉलरेट करते गए। अखिल भारतीय विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने अब आक्रोश जताया, रोक लगाई तो बवाल खड़ा हो गया। अशहुड़ता, अरे भाड़ में गई ऐसी तैसी अशहुड़ता यार। पिछले तीन सालों से भाई और बहनों देखिए, 3 सालों से अफजल गुरु की बरसी मनाई जा रही है। ये अफजल गुरु कौन था? मास्टर टेररिस्ट जिसने हमारे देश की पार्लियामेंट पे अटैक किया, उसकी बरसी मनाई जा रही, और स्लोगन लग रहे हैं भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, जंग चलेगी। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कौन थे कातिल अफजल के? आप कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हमारे, जिन्होंने उसको सजा दी, बिल्कुल सही, और 15 साल लगाए उस सजा देने में, आप कह रहे हैं कि हम उनको अभी तक जान से मार नहीं पाए,
क्या ये वायलेंस के लिए इंसाइटमेंट नहीं? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है कि अगर आप इस प्रकार की नारेबाजी करें कि जिसमें कि आप हिंसा को भड़काएं, वो सेडिशन है, वो सेडिशन है। लेकिन यहां हमको पूरे ट्यूटोरियल पढ़ाए जा रहे हैं एनडीटीवी से, कितने कितने चैनलों से कि साहब देश क्या चीज है, नेशन क्या है, इट इज अ प्रिजन हाउस ऑफ नेशनैलिटी। ये क्या बकवास है? प्रिजन हाउस ऑफ नेशनैलिटी, एक देश की सरजमी होती है, एक टेरिटरी होती है। देखिए साहब, आप और मैं हिंदुस्तानी क्यों हैं? क्योंकि हम इस पावन धरती पे पैदा हुए। जब आप पासपोर्ट देते हैं, जब आप पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, आपको बताना पड़ता है मैं साहब हरिद्वार में पैदा हुआ, इसलिए मैं भारतीय हूं, मेरे माता पिता भारतीय थे, इसलिए मैं भारतीय हूं। टेरिटरी इज इंपॉर्टेंट। जेएनयू वाले कह रहे हैं साहब टेरिटरी तो आती जाती है, जाने दो कश्मीर को, जाने दो मणिपुर को, जाने दो नागालैंड का, तेरे बाप की खैरात है? अरे तेरे बाप की खैरात है, ये भी दे दो, वो भी दे दो, जाको जितना चाहिए काट काट ले जाए। अरे क्या बात है साहब, क्या मजाक है ये भद्दा। 3 साल ये कन्हैया, ये तो 8 साल से ये पीएचडी कर रहा है साहब, मेरे जैसा बुढ़ा, स्वामी जी 8 साल पीएचडी कर रहा है, मेरे जैसे बुढ़े ने रिटायरमेंट के बाद लोगों ने बोला क्या है तुम फौजी अनपढ़ हो, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई कर दिया, 2.5 साल में मैंने कर ली, 8 साल से साहब पीएचडी चली जा रही। इस पीएचडी के दौरान आप 4 महीने जाते हैं कन्हैया साहब बिहार में कैंपेन करने, उनकी हाजिरी किसने लगाई? हु पुट हिज प्रेजेंस? ये कोई मजाक है साहब क्या? और क्या आप जानते हैं मुझे कष्ट है क्योंकि 3 लाख रुपए साल के मेरे टैक्स से जा रहे हैं इनकी लुत्फ के लिए, इनको खाना फोकट का, इनको रहना फोकट का, और वहां ये आनंद ले रहे हैं। 8 साल इनके पीएचडी चलती रहेगी और अब ये बंगाल के प्रांत में भी जाएंगे इलेक्शन करने। देखिए देवी और सज्जनों, 3 साल जब ये नाटक चलता रहा वहां पे, इस बार लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो इसको बोला गया कि तू ये प्रोग्राम कैंसिल करेगा। कैंसिल करने के बजाय ये वहां पहुंच गया और वहां से एक बड़े शेर की तरह इसने उठाया अपना सेलफोन और ये रिकॉर्डेड है, और इसने बोला एडमिनिस्ट्रेशन को ये प्रोग्राम चलेगा, ये भी रिकॉर्डेड है। उसके बाद वहां पे प्रोग्राम हुआ, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, क्या हम क्या चाहते हैं, आजादी, किससे आजादी? और ये देखिए देवी और सज्जनों, मैं फिर भी उस दुश्मन की इज्जत करता हूं जो बहादुर तो है, जो लड़ाई के मैदान में छाती खोल के आके लड़ता, लेकिन ऐसा कायर, कन्हैया जैसा कायर वहां बोलता है कि साहब नारे लगा रहा था, जबरदस्ती 3री बार प्रशासन के मना करने के बावजूद इसने वहां पे वो फंक्शन कराया, और उसके बाद देखो कैमरों के सामने कैसे मुकरा, मेरे तो नारे लगाए ही नहीं। अबे क्या जो टके के छछुंदर, कम से कम इतनी हिम्मत तो होती ना, अगर इतना ही बड़ा शेर था तो बोलता हां जी मैं नहीं मानता, मैं लगाऊंगा ये नारे। कोर्ट के सामने जहां सेडिशन का केस लगा, मैंने तो बोला सामंतवाद से आजादी और मनुवाद से, एक तो वे ऐसा हिजड़ों का गाना, ये इसे बहुत ही शर्म की बात है कि ऐसे आदमी को हमारी कुछ गिनी चुनी मीडिया चैनल्स ने हीरो बना के सारी दुनिया के सामने एग्जाम्पल रख लिया। अ टेल ऑफ टू कैंपसेस, एक बड़ी अच्छी किताब है चार्ल्स डिकिन्स की, अ टेल ऑफ टू सिटीज। मैं 2 कैंपसेस की बात करना चाहता हूं यह पूछने के लिए कि हम कहां जा रहे हैं। एक जेएनयू कैंपस, ये मैंने फेसबुक पे फोटो भी डाली, आप प्लीज देखिए, कन्हैया साहब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनके आगे लगे हुए हैं सारे के सारे ये लेकर कि साहब बोलिए कन्हैया जी कुछ बोलिए, और वो लेके अपने आप को प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग का ओहदा दे दिया, पोस्टर बॉय कुछ चैनलों के, जो कि वहां पे ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे अगला प्रधानमंत्री हमारा ये हो। अबे तेरी इलेक्शन में तेरे को 12% वोट मिले थे,
जेएनयू की इलेक्शन में 12% वोट मिले थे, और ये हमारी बीजेपी की सरकार को बोल रहा है आप तो 31-32% पे कैसे बन गए, बाकी भारत आपके साथ नहीं, तेरे साथ है 12% लेके तू बन सकता है। देखिए साहब, ये जो दोगलापन, ये जो नीचता, ये जो देश को तोड़ने का, देश के खिलाफ षड्यंत्र करने का जो माहौल है, बिके हुए लोगों का माहौल है, जब तक आप अपनी आवाज ऊपर नहीं उठाएंगे, अगर हम मौन चुप्पी मौन धारण साध के बैठ जाएंगे, अरे साहब आप नहीं रहेंगे, आपका वजूद खत्म कर दिया जाएगा। आज आपके, मैंने बोला है टेल ऑफ टू कैंपसेस, एक जेएनयू कैंपस और एक एनआईटी का कैंपस, वहां के बच्चों को आक्रोश आया कि ये मैच के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और वो पाकिस्तान के झंडे फहराए, ये बच्चों ने झंडे लेके, मैंने वीडियो देखे हैं, और स्वामी जी दिल खुश हो जाता है कि हमारे बच्चों में भी इतना जान है, हिम्मत है, वो झंडा लेके आए, पुलिस बुला दी गई, इतना पीटा गया कि 4 की हड्डियां टूट गई हैं, 10 अस्पताल में पड़े हैं। मैंने सवाल पूछा उस झंडे का क्या हुआ, पुलिस छीन के ले गई। जब कोई वर्दी वाला झंडे को हाथ लगाता है उसकी ड्रिल है, रेवरेंसली फोल्ड करके, जैसे कि कोई धर्म ग्रंथ, उसको ऐसे लेके जाना पड़ता है। और मैं आपको फोटो भेजूंगा, आप प्लीज दिखाइए सुदर्शन चैनल में, कि उस झंडे को जो कि गंद का ट्रक होता है म्युनिसिपैलिटी का, उसमें डाला जा रहा है, वहां क्या डाला गया आपका झंडा, क्या किया आपने और मैंने, बताइए। एक है जेएनयू, वहां जिसने देश के खिलाफ, देश की बर्बादी के नारे लगाए, उसको सिर पे चढ़ा के कृष्ण कन्हैया बना दिया गया, और जहां हमारे देश के भक्तों ने राष्ट्रध्वज दिखाया, उनकी हड्डियां तोड़कर वो देश के झंडे को गार्बेज के ढेर में डाला गया, कूड़े के ढेर में, और जो शब्द वाली वहां इस्तेमाल की गई है वो है हिंदुस्तानी कुत्तों। एक ऐसी पुलिस जो हर फ्राइडे खड़े होके पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता है, आईएसआईएस का झंडा फहराया जाता है, बिल्कुल चलता है। अरे बच्चे तो है साहब, तो क्या ये हमारे बच्चे नहीं थे, उनका गुनाह था कि आप साहब, यहां तो बात की जा रही थी कि भारत माता की जय बोलना, आप साहब मुझे मजबूर नहीं कर सकते, चलिए साहब मान लिया, तू मादरे वतन जिंदाबाद बोल दे, तू मां तुझे सलाम बोल दे, तुझे हित बोल, लेकिन बोलता। और अब साहब ये उल्टी गंगा बह रही है कि अगर आप भारत माता की जय बोलोगे तो आपकी हड्डियां तोड़ देंगे। अरे साहब ये देश को कौन चला रहा है, किसकी चलती है यहां ये मीडिया चैनल्स की, ये बिके हुए लोगों की, क्यों नहीं हम दिखा सकते तुम्हारी असली औकात क्या है, तुम्हारी असली जगह क्या है, कौन सा देश अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान सहता है। और भाइयों और बहनों, इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं। आप किताब पढ़िए ब्रेकिंग इंडिया, ये राजीव मल्होत्रा की किताब है, वो अमेरिका गया, यूरोप गया, वहां थिंक टैंक्स में उसने नक्शे देखे भारत में, एफ्रो दलित काट काट के अलग किए हुए, एफ्रो दलित महिषासुर की पूजा की जाई। अरे साहब आप सहने हैं, आप सहिए, प्लीज सही, 1000 साल कोई और आपके पे राज करेगा, क्योंकि हम सहनशील हैं। देखिए हम सहनशील हैं तर्क में, वितर्क में, विचारों में, आदान प्रदान थॉट्स के, लेकिन जहां कोर वैल्यूज का सवाल है, हमारे जो मूल्य हैं उनका सवाल है, हमारे देश का सवाल है, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, नहीं हो सकता। क्योंकि इसलिए मेरे को गुस्सा आता है, आंखें भर आती हैं जब याद आता है कि यार हम इन लोगों के लिए मरे थे, जब हमारे लड़के मरे लड़ाई के मैदान में, जब हाथ पकड़ा मैंने उस लड़के का, आखिरी बोला साहब पानी पिला दो, मैं डॉक्टर दौड़ा आया, नहीं साहब इसके पेट में लगी, पानी नहीं दे सकते, वो कह रहा साहब प्लीज मुंह गीला कर दो, तो मैंने लड़के को बोला यार इसको इसके मुंह से लगा दे बोतल, उसने मुंह से वाटर बॉटल लगाई, उसने छीन के ऐसे करके गट 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 पिया, ऐसे फेंकी,
मेरे को एक बारी देखा कृतज्ञता के साथ और मर गया। आज पूछना पड़ता है किसके लिए? कन्हैया के लिए। अरे यार हमको मरना पड़ा इसके लिए, ऐसे नीचों के लिए मरना फिर भी मारेंगे क्योंकि वो हमारा फर्ज है। अरे कैसे भी बेगैरत लोग हो, हैं तो हिंदुस्तानी, हैं तो हिंदुस्तानी। भाइयों और बहनों, आपके देश पे खिलाफ एक साजिश हो रही है, प्लीज वेक अप टू इट। आपके देश पे एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हमला हो रहा है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किया जा रहा है कि देशभक्ति ही खत्म हो जाएगी तो कौन लड़ेगा इस देश के लिए। आपकी फौजें, मेरे को मेरे जवानों ने जम्मू कश्मीर से रिंग किया, साहब ये क्या हो रहा है? पहले तो हम आजादी आजादी बकवास सुनते थे यहां जम्मू कश्मीर में, ये तो दिल्ली में हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, ये कब तक चलेगा? कब तक ये जवान आपके लिए मरेंगे? और आपको जब तक इनके पीछे खड़े होना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि हर कोई फौज में जाए, लेकिन जो फौज में है, जो वर्दी वाले हैं, आपका हाथ इनके पीछे होना चाहिए, आपका दिल इनके साथ होना चाहिए, ताकि अगर उसको मरना भी पड़े तो वो बोले कोई बात, कोई फिक्र नहीं, मेरे जैसे बहुत आएंगे और मैं रहूं ना रहूं, ये वतन रहेगा अगले 1000 साल। और वहां पे एक टीवी पे बड़ी आर्ग्यूमेंट चल रही थी तो एक पाकिस्तानी बोले, अरे साहब हम कश्मीर ले लेंगे। मैंने कहा साहब ऐसा है, मैं जरा क्लियर कर दूं, अगले 10,000 साल कश्मीर पे भारत का परचम फहराएगा, शान से फहराएगा। और अगर दम है पाकिस्तान में, उनके एडमिरल साहब बैठे थे तो मैंने उनको बोल दिया कम एंड गेट इट, आओ और ले लो कश्मीर, अगर मां का दूध पिया। लड़ाई ये सीधी लड़ नहीं सकते, सलवार कमीज डाल के आते, लड़ाई ये यहां पे सीधी लड़ नहीं सकते, ये सिविलियन ड्रेस डाल के आते हैं और ये वहां पे जो है हमारे औरतें और बच्चों के ऊपर बम चलाते। ये कौन सी लड़ाई, ये कैसा मुल्क है? स्वामी जी मैं इनको कहना चाहता हूं कि अगर हमारे देश के लोग जागृत नहीं होंगे, आप सहिष्णुता की मार में आके आधे लड़ने का तो आपका मादा ऐसे खत्म कर दिया, सहिष्णुता की मार में आके आधे लड़ने का मादा तो ऐसे खत्म कर दिया है। ये आपके दिलो दिमाग पे चोट है, ये आपकी देशभक्ति के जज्बे पे चोट है और हम सहे जा रहे हैं, हम नहीं सहेंगे। मैं बिल्कुल विपरीत मैसेज देता हूं कि जहां तक हमारी कोर वैल्यूज का सवाल है, हम बिल्कुल टॉलरेंट नहीं है, हम बिल्कुल टॉलरेंट नहीं है, फ्रंट करिए। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन आज का दिन ऐसा है कि बहुत सारी यादें ताजा हो गई हैं। देहरादून में आपने बुलाया, मैं बहुत आभारी हूँ, स्वामी जी का बहुत आभारी हूँ और आयोजकों का बहुत आभारी हूँ, आपने मेरे को मेरी आलमा माटेर जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ फिर दर्शन करा दिए IIM देहरादून के। और मुझे पलटन की याद आ रही है, और जब हमारी पलटन हमले के लिए जाती थी तो एक बार बड़ी जोर के साथ हमारा जो जंगी नारा है उसको बोला जाता था। तो क्योंकि इस बूढ़े को पलटन की याद आ रही है, आप प्लीज खड़े हो जाइए, प्लीज मेरे साथ देखें हरिद्वार के लोग में कितना जोश है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।